माय चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। सो आज डेट है 15 है ना, कितना है 16। ओके सॉरी। सो आज है 16 जून। सो आज का डे इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि लॉकडाउन में पूरे 3 महीने बाद, लाइक मैं अपनी मम्मा से लास्ट टाइम शादी के बाद जो फर्स्ट होली पे मैं अपने मायके गई थी सिर्फ तभी मिली थी, और उसके बाद वो जस्ट उनको ड्रॉप करने आई थी मेरी ससुराल, तो तब से लेकर अब तक हम नहीं मिले हैं। और फाइनली ये लॉकडाउन तो ख़त्म हो ही नहीं रहा और हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हम लोगों के पास लीव्स भी नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बरेली बुलाया है, मतलब अपनी सिटी में बुलाया है, सो दैट कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएँ एक साथ। तो फाइनली द डे हैज कम, मेरी मम्मा, मेरा भाई और मेरा डॉगी शेरू मुझसे मिलने आ रहे हैं आज। सो आई थॉट क्यों ना ये दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। शादी से पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मम्मा से इतने टाइम दूर रही हूँ। मैं जॉब करती थी तो या तो मैं मम्मा के पास चली जाती थी एवरी सैटरडे, या फिर मैं अपनी मम्मा को अपने पास बुला लेती थी जहाँ मैं जॉब करती थी लास्ट टाइम। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम, शादी के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मा से मैं मिल ना पाऊँ, बिकॉज मैं मम्मा को बुला ही लेती हूँ अपने पास। एक महीने में मेरी मम्मा के 3-4 चक्कर मेरे से मिलने के लिए लग जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बट इस लॉकडाउन ने तो पूरी कहानी चेंज कर दी। एनी वेज सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस। ऑफिस में मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करूँगी आफ्टर 6:30। मैं दोबारा से इस ब्लॉग को रीस्टार्ट करूँगी बिकॉज 9:30 to 6:30 मेरा ऑफिस होता है। तो मिलती हूँ 6:30 पे, मेरी मम्मा पहुँच जाएंगी मेरी ससुराल नून में, तो डायरेक्ट घर जाएंगे हम लोग शाम को। फिर मैं अपनी मम्मा से मिलूंगी, फिर मैं आपसे तभी मिलती हूँ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो फाइनली मैं अपना जो व्लॉगिंग है वो रीस्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त बंद कर दिया था, अभी हो रहा है 6:37 ओनली। तो हम लोग ऑफिस से निकल चुके हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें घर पहुँचने में। मम्मा मेरी पहुँच चुकी हैं, 4 बजे अप्रोक्स घर पहुँच गई थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे आपको बता देती हूँ कि मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, बाकी फिर घर पहुँच के मैं आपको मम्मा से मिलवाऊँगी और मम्मा भाई को दिखाऊँगी इस वीडियो में। टिल देन जस्ट यू कैन सी हालत, हम लोग मॉर्निंग में जाते कैसे हैं और आते कैसे, आते वक्त लाइक कैसे शक्ल 12 बज जाते हैं, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है ऑफिस में। तो फाइनली बस दैट्स ऑल, बस ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है शेयर करने को। बाकी जो भी होगा गाड़ी में तो मैं इतना कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ कार में, बाकी जितना भी शेयर करना होगा मुझे मैं घर पहुँच के करूँगी। और ये व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था 9:30 से जब मैं घर से निकली थी ऑफिस के लिए, और एंड कर दूँगी मैं उसको 10-11 बजे अप्रॉक्स, जितना भी हो जाएगा वो देखते हैं, जब तक हमारा चल रहा है तब तक चल रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज, और होपफुली ये व्लॉग संडे तक मैं आपको शेयर भी कर दूँगी। सो टिल देन कीप वेटिंग एंड एंड तक देख लीजिएगा इसको। थैंक यू, बाय बाय। हे गाइस, तो सी मेरी मम्मा आई हैं पूरे पूरे 3 महीने बाद हम मिल रहे हैं। तो 3 महीने बाद मिले हैं, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं आज व्लॉगिंग करूंगी। भाई और शेरू छत पे हैं, मैं अभी ऑफिस से आई तो वो लोग छत पे यू नो गर्मी में एंजॉय कर रहे हैं, तो जब वो लोग नीचे आएंगे तब हम उनका दिखाएंगे। अभी उनको जान दो, उनको चेंज करने दो। सो एज ऑफ नाउ आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना मम्मा को दिखाऊँ। कुछ 3 मंथ बाद बेटी से मिल रही हूँ। तो गाइज ठीक है, फिर अभी मैं रखती हूँ और थोड़ा हम बातें छाते कर लें, चेंज वेंज कर लूँ, फ्रेशअप हो जाएं। जब तक मैं लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। मैं ऑफिस से आई हूँ और मम्मी किचन में थी, क्या कर रही हैं? बेटी और दामाद के लिए ससुराल में आके मेरी लौकी के कोफ्ते बना रही हैं। आप लोग भी खाइए ना शाम को। चलो चलो, बाय बाय। हे गाइस, तो यहाँ पे सास, दामाद और मेरा भाई, ये मेरा भाई है पागल, देखो यहाँ पे सब बैठ के लूडो खेल रहे हैं। ये मनु है, हमारे घर के पास में रहती है। हे मनु से हाय। कनक की फ्रेंड। या कनक की फ्रेंड, अगर कनक ये वीडियो देखेगी तो कनक वी रियली रियली मिस यू, कि तुम्हारे मामा तुम्हें मिस कर रहे हैं। क्या कर रही हो? तो, चली नहीं है। तो गाइस आज मेरी मम्मा ने बनाए हैं यहाँ पे
मेरी मम्मा ने बनाया है, एक्चुअली क्या था ना, अभी तो थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी मम्मा ने बनाए थे लौकी कोफ्ते, और लौकी कोफ्ते बना के मेरी मम्मा ने पिक भेजा, व्हाट्सएप किया, तो मम्मी के दिमाग ने बोला भैया खाओ अकेले अकेले, हमारी बीवी ने तो हमें खिलाया नहीं बना के, तो मैं कहे चौके यार संडे को बना दूँगी। मम्मी को वो बात याद थी, मम्मी आते आते लग गई लौकी कोफ्ते बनाने में, लाइक ओप्स हाउ कैन आई फॉरगेट, मीट माय शेरू। चक्का बेटा बस ही दियो शेरू, चलो चक्का दो चक्का, नहीं 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 शेरू मेरी मानी, देखो है ना चीटिंग कर रही है शेरू, आ शेरू को बड़ा आराम मिला, जीत नहीं कर रही है, तुम्हारे लिए तो लगवाया है चक्का वो, मैं भूल गई अपने शेर को दिखाना, तो झूमूंगा शेरू चाह रहे थे सो गाइस आप लोगों ने देखा मेरा शेरू, और ये मेरा शेरू है, गाइस इसके टोपी के नीचे का राज दिखाऊं, टोपी के लुक एट दिस, ये देखो ये था बड़ा पागल, इसकी तो चोटी को ओह माय गॉड भूत, ये मेरा भूत है, सो आई एम फीलिंग रियली रियली सो हैप्पी, बट अफसोस मुझे अभी लीव्स नहीं है तो मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा। वेल मम्मा अभी हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा जाने वाला है दिन गाइस, जनरली अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली मेरे जो डे का रूटीन है वो भी यही है, मंडे टू सैटरडे मैं यही करती हूँ, मेरा सेम रूटीन रहता है, लाइक मॉर्निंग में उठना, नहाना धोना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना और 9:30 तक ऑफिस चले जाना, फिर उसके बाद 6:30 पे आना, डिनर सबको कराना, खुद करना, और रात के 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, रात के 9 बजे तक फ्री होकर फिर अपनी सोशल लाइफ जो भी है, मेरे को इंस्टाग्राम पे अपडेट्स करने होते हैं, और मॉर्निंग में जो अपडेट्स करती हूँ मैं 9:30 बजे मैं ऑफिस जाती हूँ तो गाड़ी में बैठ के अपडेट करती हूँ सारे के सारे, लाइक ही ऐप पे जितनी वीडियोस डालनी होती हैं, टिकटॉक पे जो वीडियोस डालनी होती हैं वो सारी वीडियोस वगैरह 9:30 पे ऑफिस जाते हुए गाड़ी में अपडेट होती हैं, या फिर रात में 9 बजे के बाद डिनर करने के बाद, क्योंकि सोशल लाइफ में मेंटेन करना इज़ यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर मी, ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। उसके बाद इनके पावर दो ही आ रहे हैं, सो उसके बाद फिर हम लोग अगर मुझे यूट्यूब की वीडियोस एडिट करनी होती है, जैसे कल थर्सडे है, मैं एवरी सैटरडे और एवरी संडे और थर्सडे वीडियो डालती हूँ, तो मुझे कल थर्सडे है, कल वीडियो डालनी है, मेरा टोमेटो फेशियल आ रहा है यूट्यूब पे, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, फॉर ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग एंड पिगमेंटेशन फ्री स्किन के लिए। सो गाइज होप यू एन्जॉय दिस ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मेरी मम्मा ने जो लौकी कोफ्ते बनाए हैं और चावल रोटी और पुदीना की चटनी वो सब, गाइज ऑफिस से आने के बाद हम लोग ने क्या किया, मम्मा लाई थी कम से कम ये तो 2 से 3 किलो दशहरी आम, बिकॉज उनकी बेटी को दशहरी बहुत पसंद है, और 1 या फिर 2 किलो लीची और 1 या 2 दर्जन केला, इतना सारा फ्रूट्स लेके आएंगे हम लोगों ने, वो खाए हैं बैठ के यहाँ पे अभी खूब सारा, इसलिए आज डिनर लेट हो गया, अदरवाइज हम लोग 8:30 बजे तक डिनर कर लेते हैं और 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं। डिनर लेट तो नहीं हुआ आई गेस, कितना बज रहा है, ओके सो यहाँ अभी लेट इतना नहीं हुआ है, तो दैट्स ऑल, यही मेरा 8:30 है, अब तक हम लोग फ्री हो जाते हैं जर्नली, सो दैट्स ऑल गाइज, और मैंने मेरी मम्मा ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो सब लोग देख ही चुके होंगे, बट इस वीडियो में इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा आगे और देखना पड़ेगा, बिकॉज इस व्लॉग में जो भी मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है वो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ, हम लोग डिनर वगैरह कर लें फिर उस गिफ्ट को खोलेंगे, और दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू एंजॉइंग। तो गाइज ये हैं गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते जो मेरी मम्मा ने बनाए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रहे हैं, एक एक कोफ्ता लाइक ओ एम जी जस्ट वाओ। तो अभी थोड़ा सा हम इसको स्टीम दे रहे हैं, यहाँ पे पुलाव बन गया है और रोटियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं, तो बस अभी डिनर स्टार्ट होने वाला है, तो आई होप यू लाइक दिस।
हे गाइस, सो आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना मैं आपको आज अपना ये रूप भी दिखाती हूँ. लुक एट मी, कितनी स्वेटिंग हो रही है. मतलब मैं रोटियां बना के आई मैं अभी अभी. ओफो, पसीना देख रहे हो? एसी में आके चैन आता कसम से, इतनी गर्मी. आज कुछ ज्यादा गर्मी हो रही है. लाइक रोटियां तो मैं डेली बनाती हूँ, बट आज कुछ ज्यादा ही स्वेटिंग हो गई मेरे को कसम से. सो गाइज, रोटियां बन गई हैं. पापा मम्मी को गरम गरम सेकती गई खिलाती गई, गरम गरम सेकती गई खिलाती गई, एज यूजुअल हमेशा ही मैं ऐसे करती हूँ. और सब कुछ हो गया, बट इन लोगों का लूडो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ. मम्मी हार गई क्या? क्यों मम्मी हार गई? क्विट कर गई? लो, उनकी भी सिर में दर्द हो गया. सो शेरू सो गाइज, या अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, और डिनर करने के बाद फिर थोड़ा चैन से बैठेंगे, बातें शातें करेंगे. अभी तक तो बातें शातें हो ही नहीं पाई, ये लोग लूडो खेलते खेलते थक गए हैं. ये देखो जोकर. गर्मी में टोपी क्यों लगाए हो? टकले थोड़ना हो तुम. चलो खाना खाओ ना. चलो, हाँ हाँ चलो खाते हैं खाना. सो गाइज, हम लोग डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में. हे गाइस, तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है और हम लोग यहाँ पे टहलने आए हैं. ये देखो शेरू, मेरा शेरू को साथ में लेके आई हूँ अपने. ये पागल शेरू सूरज. पीछे मेरी मम्मी और सासू माँ आ रही हैं, दोनों टहलने आ रही हैं. आज हम चारों सूरी अंदर ही आ जाओ बेटा, चलो अंदर चलो. सूरी 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 रहने दे ना भैया, हम जाएंगे उधर नहीं जाएंगे हम. आया आया, ये सासू माम और मम्मी टहल रही हैं हमारी. चलो उधर नहीं आएंगे भैया, डॉगी हैं सारे. डॉगी मेरे शेरू के ऊपर लिपट जाएंगे वरना. ये हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी कॉलोनी में ऐसे टहलते हैं रात में. मैं डेली नहीं टहल पाती हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ऑफिस आके तो थक जाती हूँ. तो इस वजह से फिर मैं छत पर निकल जाती हूँ या फिर अपने रूम में चली जाती हूँ. बट आज मैं आई हूँ टहलने, क्योंकि आज कोफ्ते बनाए थे. कोफ्ते, चावल, रोटी, चटनी, और इतना ज़्यादा खा लिया है मैंने, इतना ज़्यादा खा लिया है. ओहो, मैं तो भूल ही गई, मैं शूट कर रही हूँ वर्टिकल में, जबकि मुझे करना है हॉरिजॉन्टल में. यूट्यूब है भैया, यूट्यूब, ऐसी बात थोड़ा है. शेरू, ये देखो मेरे पापा ने ये फूल लगाए हैं, कितने प्यारे. देखो ये पापा ने सारे गेंदा के फूल लगा दिए घर के सामने बाउंड्री पे, जो प्लॉट खाली पड़ा है. यहाँ से लेकर वहाँ तक गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा घर है. तो घर के ठीक सामने ही ऐसे फूल लगाए हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं. और मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने दिखाया था कि मेरे पापा ने करेले का पेड़ लगाया है, तो वो करेले का पेड़ ये है गाइस. ये देखो, ये देखो, ये और इस, ये वाला पेड़ है, ये वाला. और इस करेला के पेड़ पे करेले आए हैं, और बहुत ही खूबसूरत छोटे से प्यारे से नन्हे नन्हे करेले आए हैं. और पापा ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर भी लगाए थे, टमाटर भी आए थे, बट वो टमाटर सारे आ गए, घर में बन भी गए, और वो निकाल भी दिए पापा ने. टमाटर का पेड़ भी लगाया था, और अब करेला लगा दिया. तो इस टाइप से पापा ने खूब सारे प्लांटिंग कर रखे. पापा सुबह शाम दोनों टाइम पेड़ों को पानी डालते हैं, खूब केयर करते हैं उनकी. बिकॉज़ आप पेड़ कितना भी लगा लो, अगर आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो, तो यू नो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. मेरे हस्बैंड आराम कर रहे हैं अपने अपने रूम में, तो मैं, मेरी मम्मा, मेरी सासू मोम और सूरज, मेरा भाई, मतलब हम सब लोग टहलने आ गए हैं. पापा टीवी देख रहे हैं, और अभी जो हैं अपने रूम में आराम कर रहे हैं. ये शेरू को देखो कितनी जल्दी हो रही है भाग रही. देखो 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 शेरू, 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 गाइस, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है. ये मेरे कॉलोनी के सारे घर बने हुए हैं. हमारा लास्ट वाला कॉर्नर वाला घर है, जिसके पीछे भी, हमारे कॉलोनी के पीछे भी घर बन गए हैं काफ़ी सारे. लाइक 1, 2, 3, 4, 5 घर बन गए हैं. अब तो अच्छा लगता है यहाँ पे रात में, बहुत ही अच्छा लगता है. इनफैक्ट मेरे घर में बहुत जल्दी काम शुरू हो जाता है गाइस. ये देखो एक नया घर ये बना है, यहाँ पे इन लोगों ने शिफ्ट भी कर दिया है.
एंड गाइज यू नो व्हाट, मेरे घर में मॉड्यूलर किचन एंड जो भी घर बनना घर था मेरा, मतलब मॉड्यूलर किचन और हम लोग जो नया वर्क करवा रहे हैं जो आज का चल रहा है बहुत ज़्यादा फाइबर वाला, तो फाइबर वॉल्स वगैरह जो आप में देखी भी होंगी वो सब करवाने वाले थे, बट ड्यू टू लॉकडाउन हम लोगों ने थोड़ा रोक दिया उस काम को। लॉकडाउन थोड़ा फिनिश होते ही दोबारा से, बिकॉज कोरोना के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं COVID-19 के, दैट्स वाई फिर हम लोगों ने वो काम रोक दिया। जैसे ही वो काम स्टार्ट हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मॉड्यूलर किचन मेरी बन जाएगी पूरा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो एज ऑफ नाउ तो मैंने इसको रोक रखा है। क्या था चलट पागल है। तो या दैट्स ऑल गाइस, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप सबको ही को पता ही होगा, 14 को ऐसा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बुरा था, बहुत ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी वाली फ़ोटोज़ देखी हैं जिसमें वो बेड पे क्लोजअप वाली जो थी उनके रूम की, ओ माय गॉड, मैं अपने आंसू लिटरली नहीं रोक पाई, बिकॉज मैंने उस इंसान को हमेशा हर इंटरव्यू में, हर मूवी में, हर वक्त सिर्फ हंसता हुआ देखा है, और मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि ऐसे लोग भी सुसाइड कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो हर समय हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनके वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये रीज़न था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, डिप्रेस इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा रो गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ कसम से। इंस्टाग्राम पे तो मैंने एक स्टोरी भी डाली थी, पहले मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे डाल दूँ एक वीडियो बना के, फिर मैंने सोचा नहीं यार, किसी की डेथ पे आप यू नो वीडियो बना के डाल के आप कुछ लाइक्स और कुछ उसके लिए, वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, मतलब लोग फिर उसका मजाक बनाएंगे, भले ही मेरी इंटेंशन वो नहीं होगी लाइक्स वगैरह की, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। फिलहाल तो मैं बहुत शौक थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सुसाइड क्यों किया होगा, बट अब पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा था। कंगना रनौत की जो वीडियो वायरल हो रही हैं, प्लस और भी कुछ सारे बहुत सारे स्टेटमेंट्स कि उनको ब्लैकलिस्ट कर रखा था, प्लस उनकी एक मूवी थी ड्राइव जिसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया था, जो कि आउटसाइड में रिलीज़ नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से, जैसे होती है थिएटर में वैसे रिलीज़ नहीं हो पाई, काफ़ी सारे टर्म्स थे, काफ़ी सारी कंडीशंस थी जिनके चलते उन्होंने सुसाइड किया है, जिससे कि अब बातें एक एक करके खुल के सामने आ रही हैं। तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं ज्योति तुम मुंबई चले जाओ, तो मुंबई में मॉडलिंग कर लो एंड ऑल एंड ऑल, ओ माई गॉड। सुशांत सिंह जैसे फेमस, सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट और इतने अच्छे एक्टर जब सुसाइड कर सकते हैं, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, लाइक आई एम नथिंग, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती हूँ, तो मैं तो स्टैंड ही नहीं करती हूँ सुशांत सिंह राजपूत के सामने। तो जब वो सुसाइड कर सकते हैं तो लाइक मैं तो भैया अपनी ही छोटी सी सिटी में ही अच्छी हूँ। नाम कमाने के लिए ज़रूरी नहीं आपको शहर बड़ा होना चाहिए, बस अगर आपको इतने अंदर टैलेंट है ना, तो आप जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी रहो, चाहे आप गांव में क्यों ना हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप गांव में भी नाम कमा सकते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको मुंबई जाना पड़े। एनीवेज गाइस, बहुत बातें हो गई, बहुत टहल ली मैं, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, 6 मिनट की मेरी टुक टुक पुक पुक हो गई है। आई होप सुशांत सिंह राजपूत जहाँ पे भी हों वहाँ पे वो थोड़ा चैन से रहे हों अब। तो गाइस अब मैं रखती हूँ और बाद में बात करती हूँ, अंदर पहुँच के जो मेरी मम्मा ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया उसको भी ओपन करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो या दैट्स ऑल, बाय बाय। फेरू फेरू देखो फेरू फेरू मेरी मम्मा पुलिस में, मैंने आपको बताया होगा, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी उनको भी ना मुझे भी, 3 महीने हो गए ना उनको छुट्टी मिल पाई ना मेरे को छुट्टी मिल पाई, इसलिए हम मिल ही नहीं पाए, 3 महीने बाद हम आज मिले हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पर्सनली। सो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में अंदर पहुँचने के बाद, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, हम लोग एक्चुअली बाहर गए थे वॉक करके, अभी आए हैं जस्ट, और ये मेरी मम्मा ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट किया है, और सबसे बड़ी बात ये है, मम्मा आप खोलो इसको, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरी मम्मा ने खुद ऑर्डर कराया है फ्लिपकार्ट से और खुद मेरे लिए मंगाया है, एंड टन टन यूपी, दिस इज अ रिंग लाइट। यस, हाँ करो। सो गाइस दिस इज अ रिंग लाइट, आई थिंक मे बी इतनी होती होगी,
ओके बट नॉट अ इशू। ये जो है ना, जितना बड़ा मेरा मुंह है उतनी बड़ी है लाइटर, बट नॉट अ बैड। तो अभी से वो करके देख लो, वो मैं कर लूँगी इंस्टॉल वगैरह। सो थैंक यू सो मच मॉमी, ट्राइपॉड भी लाई है। ये पहले ही ले लिया था इन्होंने, ये भाई एक्चुअली लेके आया था अपने एक फ्रेंड के शॉप से। या सो गाइस, इसको इंस्टॉल करके अब मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाऊंगी और उसमें डालूंगी। और एक और चीज, जूते खाना तो जूते। लेट मी शो यू सम गलम गलम गुलाब जामुन। दो तीन मेरी मम्मी लाई हैं अपने घर से बना के अपनी बेटी और दामाद के लिए। मम्मी अपने दामाद को खिलाओ, दो दामाद के लिए दो वाले हैं। सो गाइज, 10 बज चुका है और आई थिंक 10:15 बज रहा है। आज के इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये मेरा सरप्राइज गिफ्ट था, रिंग लाइट, एंड दैट्स ऑल। आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मेरी मम्मा अभी हैं मेरे साथ, तीन दिन तक और रुकेंगी। अरे एक दिखा तो दो दामाद को, देखो अपने दामाद को प्यार से खिला रहे। आहा, इतना प्यार सास में और दामाद में, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है सास में और दामाद में। सो गाइस, फाइनली आज के इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी बात। अच्छा लो, खिलाओ, लाओ ना, तोड़ दो, आगे लाओ पास में। नॉम नॉम, देख बहुत अपने आज खा रही है। चार्जर चलता है, चार्जर से चलो गाइस, टाटा। इसमें ये भी तो लगेगा, अगर ये अभी जला लू के मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप डाल दूंगी इसमें। आज के इस व्लॉग को मैं ये फिनिश कर रही हूँ। मामा से बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, से बाय टू माय व्यूअर्स, बाय। जैसे एक वीडियो में बोला था वैसे बोलो आज भी, कि मेरी वीडियो की, बेटी की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हेलो गाइस, मेरी बेटी की वीडियो लाइक करना, शेयर करना और आगे देखना, बहुत बहुत बढ़िया वीडियो डालेगी ये। बाय, देखा ये मार, अभी फुल स्पेसिफिकेशन वगैरह पढ़ रहे हैं। सो गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख के इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे मेरे को प्यार करते रहिए, यही मेरा बेसिकली डेरे का रूटीन होता है। कल सुबह से अगेन हमें ऑफिस जाना है एंड ऑल, और मेरी मम्मा हैं अभी तीन दिन यहाँ पे, तो हम लोग खूब इन्जॉय करने वाले हैं। बाय बाय, गुड नाइट।